लोकल और ग्लोबल दोनों। एकदम देसी स्टाइल फूड बट विथ गोरा ट्विस्ट। ओनली ऑन एक प्लस। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। लोगों की बहुत फरमाइश थी चाइनीज, आई डोंट नो कौन लोग चाइनीज इफ्तार पे खाते हैं, बट समहाउ शायद मुझसे ऐसे भी लोग हैं जो कि डिफरेंट स्टाइल के खाने खाते हैं और वो चाइनीज पसंद करते हैं इफ्तार में, तो उसकी बड़ी फरमाइश थी। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जो आपकी फरमाइशों में जितनी हद तक मुमकिन हो मैं उसको पूरा कर सकूँ। हैदराबाद में जानने वाले उनका एक रेस्टोरेंट है, उनका चाउमीन बड़ा मशहूर है। आई डोंट नो वो क्या कहते हैं सबको, लेकिन मैंने सोचा कि नाम उसका हम चटपटा चाउमीन रखते हैं, बड़ा लोकल फ्लेवर में आई एम श्योर हर एक को पसंद आएगा। इजी रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। चाइनीज बनाने के लिए काम कीजिएगा कि बस चीज़ें आपके हाथ में हो, फिर ये झटपट बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि चाइनीज रेसिपी कुकिंग के अंदर अमूमन मैंने देखा है कि लोग बहुत अच्छा बनाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। चाइनीज़ में तो बहुत मेहनत नहीं करनी है, सबसे आसान बात यह है कि चाइनीज़ जितना आसानी से आप बनाएंगे उतना इजी बनेगा। सिर्फ आपको क्या करना है, प्रेपरेशन करनी है। प्रेपरेशन का मतलब है वो चीज़ें पहले से बना के काट कूट के अपने हाथ में रख लें, फिर जब उसका असेंबली का टाइम आए तो मुश्किल से ये 4 से 5 मिनट। जी बिल्कुल, 4 से 5 मिनट। तो अमूमन लोग कहते हैं चाइनीज़ की सब कुछ सही है, चाइनीज़ की प्रेपरेशन मुश्किल है, कुछ भी नहीं है। चाइनीज़ की जान है वो है लहसुन, अगर आप यूज़ कर रहे हैं रेसिपी के अंदर तो वो ताज़ा यूज़ करें, सॉसेस अच्छे यूज करें। अच्छा, मैं यहाँ पे बहुत, मेरे पास लाइन से सॉसेस पड़े हुए हैं, आई एफ पॉइजन सॉस, ऑयस्टर सॉस, बहुत सारे चाइनीज सॉस है, बीन सॉस है। मेरी कोशिश होती है इस शो पे मैं ना यूज़ करूँ, क्योंकि हर ये शो जहाँ जहाँ देखा जा रहा है ऐसी जगह भी है, रिमोट जगह भी है जहाँ तक सॉसेस अभी नहीं पहुँचते। इवन कराची में भी हर मोहल्ले में हर गली में नहीं मिलता, आपको किसी अच्छे बड़े स्टोर पर या बड़े मीन स्पेशली स्टोर पर जाना पड़ता है जहाँ पर इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो वो चीज़ें जो मुझे लगता है घर में मौजूद हैं उनसे आप बड़ा आराम से बना सकते हैं। नूडल लोगों को बहुत पसंद है, तो आज हम जो चाउमीन बना रहे हैं उसमें नूडल यूज़ करेंगे। अच्छा, एक बात बता दूँ, नूडल में बड़ा फ़र्क है, जो स्पेगेटी मिलती है वो नूडल नहीं होती, चाइनीज़ एग नूडल का मतलब है, उसमें अमूमन शेर का निशान बना होता है, उसमें अंडा पड़ा हुआ होता है और वो टेस्ट अलग होता है। तो आप चाइनीज़ एग नूडल बाज़ार से ले लीजिएगा एक पैकेट, और उसको बस इतना उबालें, उबालते हुए एक तो पानी बहुत ज़्यादा हो और इतना उबालें कि हल्की सी कसर हो उसके अंदर, और साथ में उसमें एक चीज़ जहन में रखिएगा कि थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा, थोड़ा सा क्या, ठीक ठाक नमक। अगर आप एक पैकेट उबाल लें तो 3-4 लीटर पानी, और उसके अंदर मैं कहूँगा मेरे कहने के मुताबिक आप कम से कम 2 टेबल स्पून आप उसमें नमक डालेंगे, और उबाल के हल्की कसर छोड़ दीजिएगा, ठंडे पानी में डालें उबालने के बाद, और ठंडा हो जाए उसको फिर आपने थोड़ा सा ऑयल लगा के रख लेना, फिर ये इंशाल्लाह ताला आप जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपको मुश्किल नहीं होगी। हाँ, लहसुन भी काट लिया मैंने, अदरक और ये दोनों चीज़ें काट ली हैं। बंद गोभी चाहिए मुझे, तो बंद गोभी को मैं आधा बंद गोभी का, आधी की क्वार्टर काफ़ी होगी। कोर जो है ना ये बड़े मुश्किल से गलता है, इसको ज़रा निकाल के अलग कर लेते हैं। चूंकि ये हम चाउमीन बना रहे हैं तो इसकी जो बारीक काटेंगे, दो आई लाइक इट खड़ी खड़ी, तो उसको फ्राई में मैं इतना में रखूंगा कि बहुत ज्यादा मेरी हलवा ना हो जाए। अच्छा, ये बजाय शायद बहुत लग रही होगी, लेकिन ये देखिए एंड में बिल्कुल खत्म हो जाएगी। प्याज आपकी मर्जी है, मैं प्याज यूज़ नहीं कर रहा, अगर प्याज डालनी हो तो प्याज को भी थोड़ा सा बड़ा काट लीजिएगा, जैसे हम सब्जी फ्राई करेंगे तो प्याज डाल देंगे, गाजर यूज़ नहीं करेंगे रेसिपी के अंदर। लाजमी नहीं कि हर रेसिपी में हम गाजर का यूज़ करें, और जो वेजिटेबल्स का भी बहुतान ना करें, अमूमन लोग नहीं खाते ज़ाया हो जाती है, तो वेजिटेबल को भी इतना रखें कि हर आदमी के उसमें हिस्से में थोड़ी बहुत वेजिटेबल आ जाए। सही जी, ये हो गया। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए, चिकन को मैरिनेट करना है। चिकन को मैरिनेट करने के लिए चिकन को, अच्छा सबसे पहले काट देते हैं हमारा बोट साफ सुथरा। चिकन को मेरे पास ये चिकन है, चिकन को मैं 2 हिस्सों में काट लेता हूँ पहले, तो हाँ भी सादा किया, और इसको अब आप छोटे छोटे पीसेस चिकन के कितने मोटे काटने हैं। अगेन हम इसको इस तरह से काट रहे हैं कि मुश्किल से, भाई बहुत मोटा नहीं रखा,
अच्छा बल्कि आपको मैं दिखाऊं कि ये बहुत आसानी से जितना बारीक काट रहा हूँ इसको चाहे तो हल्का सा खुद भी बारीक कर सकते हैं हाथ से। अगर आपको लगे कि बहुत मोटा कट रहा है तो ये जैसे मैं फैला रहा हूँ आप ऐसे फैला सकते हैं। सही जी, उससे क्या हुआ चिकन ज़रा देखने में ज़्यादा भी लगेगी और ईजिली कुक हो जाएगी। इसका कुकिंग टाइम मुश्किल से 2 से 2.5 मिनट होना चाहिए और पूरी रेसिपी जो है मेरे ख्याल में आसानी एक झटके में ऑलवेज से कि 5 मिनट के अंदर रेसिपी तैयार हो जानी चाहिए आपकी। तो ये हम कर रहे हैं, तो एक बेस्ट चिकन का ले लिया है, उसको हल्का सा मैं चपटा कर रहा हूँ, बारीक काट भी रहा हूँ और हाथ से हल्का सा उसको आप चपटा करते जाइए। आहा, इसमें कुछ मसाले होंगे, मैं चाह रहा हूँ पहले बेक से पहले जाने से पहले मसाले लगा के चिकन को रख दें और जब वापस आए सिर्फ हम इसकी कुकिंग कर रहे हैं। चिकन तैयार है आपकी, काट कूट के रख लिए यहाँ पे। बेसिक मसाले, वाइट पेपर 1/4 चाय का चम्मच चिकन के अंदर जाएगा, हल्दी चुटकी भर, हल्दी, गरम मसाला पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, वो ज़रा मज़ा खोलता है लोग कहते हैं चस्के के लिए, ये हो गया। अच्छा और नमक हो गया, थोड़ा सा सोया सॉस। अच्छा मैं पर्सनली अगर आपको मिल जाए लाइट सोया सॉस मुझे अच्छा लगता है, कलर फ्लेवर आ जाता है लेकिन कलर ख़राब नहीं होता। लाइट सोया सॉस यहाँ पे, बल्कि इसी में ले लेता हूँ थोड़ा सा, आप इसके अंदर डाल दें कॉर्नफ्लावर। अच्छा जी ये हो गया, कॉर्नफ्लावर हो गया। और एक चीज़ जो है बहुत यूज़ होती है इनके खानों में, वो जो वहाँ पे था खास कलर वीट पर राइस वाली बात है, तो मैं हल्का सा लाल रंग लाजमी नहीं, प्लीज़ अगर है तो वो भी फूड ग्रेड मोहल्ले से ना लीजिएगा, अगर अच्छा वाला है तो ले वरना ना लें। फूड ग्रेड कलर ले लिया है हमने, जस्ट अ लिटिल बिट, आधा चाय का चम्मच और 1/4 चाय का चम्मच वाइट पेपर, सही ये ले लिया आपने। इस पर डाला आपने पानी थोड़ा सा और मतलब थोड़ा सा मीन्स आधा कप पानी डाल दीजिए और इसको घर में हो तो छोड़ दें कोई आधे घंटे के लिए ताकि जरा मसाले इसमें आ जाएं और लग जाएं अच्छी तरह से। यहाँ पे नूडल्स में तैयार हैं, नूडल्स बारे में दिखा दूँ आपको मैं कि ये तो नूडल्स यहाँ मेरे पास तैयार है। नूडल्स को बस मैंने क्या किया है कि एक पैकेट खोला, पहले पानी को उबालने, बड़ा इंपॉर्टेंट, और पानी में कंजूसी ना करें, पानी बहुत ज़ाया करते हैं। यहाँ पे आप कम से कम अगर एक पैकेट है 4 लीटर पानी ले लें और उबाल आ जाए फुल, जिसको हम रैपिड बॉयल कहते हैं, उसमें 2 टेबल स्पून के करीब नमक डालें, उबालें, एक तो पीछे लिखा होता है कि 12 मिनट 10 मिनट वो चेक कर लीजिएगा और उसको चेक कर लेंगे हल्की सी कसर हो, जैसे हम कहते हैं एक करनी छोड़ दीजिएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, करना कुछ भी नहीं है, उसको निकालते हैं ठंडे पानी से धो लें, अगर बर्फ़ वाला पानी वो डाल दें ताकि उसकी स्टीमिंग प्रोसेस वो रुक जाए, मज़ीद ना कुक होइए। उसके बाद उसमें हल्का सा 1 चाय का चम्मच ऑयल डाल के उसको आप रख लें। अब ये बड़े आराम से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ये मैंने कर लिया। ये तमाम चीज़ें तैयार हैं, वापस आएंगे झटपट कुकिंग करेंगे, आपको दिखाएंगे कितनी जल्दी आप ये चटपटी चाउमीन बना सकते हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे आपसे, कहेंगे आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि ब्रेक में हम जा रहे हैं, इश्तहार भी चल रहे हैं, तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ओके जी वेलकम बैक ऑन द शो, और यहाँ पे हम चटपटी चाउमीन बना रहे हैं और यहाँ पे कढ़ाई को हमने लेके पहले गरम कर लेना है। ऑयल थोड़ा रखिएगा एक्स्ट्रा क्योंकि अगर चाउमीन आपकी ड्राई हो तो मज़ा नहीं आता, लोग ऑयल डालते हैं। मैं फिर भी बहुत ही डालूंगा, मैं कोई 2 टेबल स्पून ऑयल, एक 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 दो, 2 टेबल स्पून ऑयल मेरा हो गया। सही जी, अब इसके अंदर कोशिश करेंगे हम ये चिकन जो है इसको थोड़ा पानी इसका निकाल लें जितना निकल सकता है, पानी तंग करेगा हमें, पानी निकाल लिया और थोड़ी आग निकलेगी, परेशान ना होइएगा, बच जाता वही आग। अच्छा जी सिर्फ मैं हिला रहा हूँ ताकि हर जगह इवन कुक हो जाए और इसको छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। सही जी, मेक श्योर कि एक के ऊपर एक ना चढ़ी हुई हो। चिकन को आपने एक आँच पीछे तेज़ कर लें, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना चिकन में कुक होने में। अब इसके अंदर तमाम चीज़ इसके अंदर जाएंगी, इसी कम बर्तन गंदे होंगे
और इजी तैयार हो जाएगी। दावतों के लिए बेहतरीन है जो फरमाइश आई थी इफ्तार के लिए, तो लेट्स जस्ट ट्राई ऑन इफ्तार। आई एम श्योर बहुत से लोग ऐसे भी हैं, मुझे पता चला है, खैर पता गया कि लोग इफ्तार हल्का रखते हैं और फिर बस खजूर से और फ्रूट से खाया, उसके बाद फिर प्रॉपर खाना खाते हैं। आई थिंक दैट्स द बेस्ट अप्रोच। अच्छा जी, यहाँ पे देखें ये मुझे कलर इसका चेंज हो रहा है, इट मीन्स कि एक तरह से कुक हो गई है। अब दूसरी तरफ से कुक करने के लिए साथ में हल्का सा, तो वो कलर अभी भी मेरा नहीं आया, वो टाइम से आता है कलर में, हल्का था कलर में, वरना उनके यहाँ कलर बड़ा तेज, दे कीप इट वेरी रेड कलर। देखिए यहाँ पे हल्का सा, जहाँ पे मैंने मिलाया था वहाँ हल्का सा रेड एक्स्ट्रा आया हुआ है, बट दे कीप इट वेरी रेड। तो आपको वो लाल कलर पसंद है तो वो आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं इसके अंदर। अच्छा जी, अब इसी में हमने क्या करना है, चिकन मेरी मुश्किल से टोटल 2 से 2.5 मिनट आपने इसको कुक करना है। कोई एक टीस्पून और एक टीस्पून के करीब, एक टीस्पून लहसुन, एक टीस्पून अदरक, ये डाल के साथ ही साथ आप इसके अंदर बंद गोभी और शिमला मिर्च डाल दिया आपने। अच्छा, इसको बस आपने खड़े खड़े फ्राई करना है, यहाँ तक कि बस जो उसकी सब्जियाँ हैं वो लहसुन कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, उसमें मैं थोड़ा सा हल्के हाथ का एक चाय का चम्मच क्रश चिली है, 1/4 चाय का चम्मच नमक है और हल्के हाथ की 1 चाय का चम्मच चीनी है, ये शामिल करेंगे। इमली, हाँ इट्स डिफरेंट, तकरीबन एक बहुत गाढ़ी इमली मैंने घोल के रखी हुई है, तो मैं इसके अंदर कोई 3-4-5 चाय की चम्मच, ये गाढ़ा है ये ले लिया। इसी में मैंने हल्का सा 2 टेबलस्पून पानी डाल दिया, बल्कि आधा का पानी डाल दें आप, ताकि आपकी चीज़ें प्रॉपर मिक्स हो जाएं। आंच बेशक तेज़ रखिएगा। चिकन क्यूब इसमें हम डाल देंगे ताकि ये भी घुल जाए, खुशबू अच्छी आती है। और यहाँ पे कोई 4 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस, ये आपने लिया, और वाइट पेपर आधा चाय का चम्मच वाइट पेपर, ठीक है, ये डाल दीजिएगा। अब आंच तेज़ रखेंगे हम, सॉस को आपने मिक्स किया, ये तो वैसे ही मज़ा बन रही है, बस आपने क्या करना है, हाँ हाँ इसी सॉस के अंदर आपकी नूडल्स उबली हुई थी ये इसमें आप डाल दें, हाय हाय हाय। अब इसको आपने बहुत प्यार से मिक्स करते जाना है। अच्छा होगा क्या, क्योंकि आपकी ये चिकन हर चीज़ गर्म थी, नूडल्स आपकी गर्म नहीं थी, तो वो जो पानी है इसको गर्म रखेगा, और आपको लगे पानी कम हो रहा तो हल्का सा पानी इसमें आप डाल के, जैसे मेरे केस में लग रहा है पानी स्टीम नहीं बना पाएगा। अरे क्या ज़बरदस्त चिकन, खड़ी खड़ी सब्जियाँ भी खड़ी खड़ी, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हर सब्ज़ी नज़र आए जो आप खा रहे हैं मुरझाए ना। चाइनीज़ के अंदर अमूमन मसला ये होता है कि सब्ज़ियाँ आपकी मुरझा जाती हैं। अच्छा थोड़ा सा इसको सॉसी रखेंगे, वजह क्या है कि ये जब लोग खाएं तो उनको ड्राइनेस ना फील हो, इट्स अ कंप्लीट मील, इसके साथ आपको कुछ और खाने की ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़ भी कर सकते हैं कि आप इसके ऊपर हल्का सा चाय ढक्कन लगाना, तो ढक्कन लगा दें, धीमी आंच पर रख दें। अच्छा ये एक ऐसी रेसिपी, इसको बना के पहले रख सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये लास्ट मिनट में खैर बना लें। मुश्किल से आपने देखा कि एक दफ़ा आपकी सब्जियां कटी हुई हैं, चीज़ें तैयार हैं, तो मैं हिला ही रहा हूं कि इधर ये हर तरह से पक जाए, चेक करें, है ना, इज इट नाइस, सही जी। अभी देखें फर्स्ट क्लास में ग्लेज हो गया हर चीज़, दिस इज जस्ट राइट इनफ। अब चूल्हा बंद कर लेते हैं, अब मैं इसको निकाल के, सो अगेन ऐसा से इट्स अ कंप्लीट मील, ये ऐसा नहीं है कि इसके बाद आपको इसके साथ कुछ अलग से ग्रेवी की जरूरत पड़े। उन्होंने देखा कि लोग क्या करते हैं कि लोग नूडल्स के साथ डिफरेंट चीज़ें ग्रेवी ऑर्डर कर रहे होते हैं, बट डजंट रियली मेक सेंस, क्योंकि मुझे लगता है कि आप चाइनीज़ के अंदर जब ग्रेवी ऐड करते हैं, कुछ और ऐड करते हैं, इसका अपना फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाता है, कोई नया फ्लेवर इन्जॉय कर रहे होते हैं, तो दोनों के फ्लेवर को आप मिला चुके होते हैं, इट्स कम्प्लीटली फ्लेवरफुल। इसमें आपको बड़ा मज़ा, हल्की सी खटास मिलेगी इमली की, और चटपटापन है चिली गार्लिक सॉस का, चिली का,
इवन चिकन को बाइट करेंगे, उसमें गरम मसाला है, उसके ऊपर अगेन थोड़ा सा लोकलाइज करके आवेश के वो कलर और रेड होता है जैसे बाजार वाले करते हैं। मैं चाहते हुए भी इतना रेड ना कर सका जितना मुझे करना चाहिए था, बट दैट्स क्लोज आई कुड गेट फ्रॉम ये हैदराबाद जो हमारे दोस्त का रेस्टोरेंट है, चाइनीज रेस्टोरेंट, वहाँ से उनकी रेसिपी। इट्स अ वेरी नाइस रेस्टोरेंट, अगर आप हैदराबाद जाते हैं तो किसी से मालूम कर लें। इट्स नॉट ओनली चाइनीज रेस्टोरेंट, उनके पास तमाम चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें सर्व कर रहे होते हैं, तो वो आप इंजॉय कर सकते हैं। और मेरे कहने के मुताबिक इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसी रेसिपी है, इसे फॉलो करती है स्टेप्स को, मिर्च मसाले आपके अपने हाथ में, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं कम ज़्यादा। अच्छा हाँ, चिकन क्यूब अगर नहीं डालनी मत डालें, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है कि हमारे जो पैलेट्स हैं, जो हमारा जायका है, वो उस पर वो चिकन पाउडर या पता नहीं क्या क्या मुँह पर लग गया है। मैं पर्सनली आई यूज यखनी, अगर मुझे यूज़ करनी है तो यखनी कर लेता हूँ, लेकिन मेरा कहना ये है कि लहसुन को जब इतना अच्छा फ्राई करते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, लहसुन के बाद उसकी अपनी खुशबू इतनी अच्छी आती है, लेकिन हमें वो चिकन का फ्लेवर लोगों को बहुत पसंद है, चिकन के अंदर भी चिकन का फ्लेवर डाला जाता है, इसलिए मैंने चिकन क्यूब यूज़ किए वो उसको फ्लेवर देने के लिए। इट्स नाइस एंड जूसी, देखें ये शाइनी है और ये इसमें सॉस भी है, तो इट्स नॉट ड्राई कि आप खाएंगे तो बहुत ड्राइनेस आपको फील होगी, तो आप आराम से इसको एज अ मील इंजॉय कर सकते हैं। आई रिकमेंड घर पर बनाएं, इसको बताएं मुझे कैसी बनी है, और आइडियल फॉर वन ऑफ दोस रेसिपी जो कि ईद पे बना के आप रख सकते हैं, वो लोग आते हैं उनको छोटा सा पोर्शन देते हैं तो उस वक्त भी काम आ सकती है। तो खैर अपनी राय से मुझे आगाह करते जाइए, क्योंकि मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट आपकी फीडबैक का, मैं काफ़ी फीडबैक आ रही है, थैंक यू वेरी मच, उन लोगों का बहुत शुक्रिया। साइमा अरसलान और महवेश हैं और हिना हैं, सादिया हैं, इन तब सबके मैसेज आए हुए, और साथ में उनकी जो पिक्चर्स उन्होंने बनाई थी, खासतौर पर आई थिंक हिना थी जिनकी तस्वीर उन्होंने बनाई थी, वो एक हमारी रेसिपी बनाई थी, वो तस्वीर बड़ी क्रिएटिव खींची हुई थी, तो वी कैन बी वेरी क्रिएटिव विद फोन, फोन के साथ बड़ी अच्छी तस्वीरें खींच सकते हैं, उसको जहाँ इंस्टाग्राम पे लगाते हैं तो मुझे भी भेज दीजिए, ताकि मुझे भी एक लगे कि हाँ आपने जो चीज़ बनाई वो बन के कैसी आई है। तो सर्विंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको बना के पेश किस तरह करें, क्योंकि आई लर्न अ लॉट फ्रॉम यू गाइज, आई एम वेरी बैड विद इंस्टाग्राम, मैं हूँ इंस्टाग्राम पे, जरूर फॉलो कीजिएगा शेफ सादत को, शेफ डॉट सादत वहाँ पे, और तो मुझे आप भी अपनी तस्वीर ज़रूर भेजते रहें, ताकि मैं इंस्पायर होकर अपनी इंस्टाग्राम को उस तरह मैं मैनेज करूं। खैर जी, रेसिपी तैयार है, बातें तो बहुत हैं करने के लिए, लेकिन क्योंकि इफ्तार का टाइम होने वाला है, बहुत सी जगहों पे आपको किचन में भी जाना होगा, आप तैयारी करनी होगी, इबादत भी करनी होगी, तो सारा टाइम यहाँ नहीं लगाएं। इजाज़त लेंगे इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होती है इस शो पे, इस ज़बरदस्त क्विक और झटपट रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।